हमने सीटिंग नीचे ही रखी हुई है, तो क्योंकि शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है अगर बेड वगैरह दलाश पड़ी हुई है ऐसे लग रहा है। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा मैं जहाँ जम्मू शिफ्ट हुई हूँ, जिस रूम में रेंट पे रह रही हूँ, तो आपको उसका रूम टूर क्यों ना करवा दूँ। तो चलो मैं अभी आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये एक नेट का डोर बाहर लगा है पहले, उसके बाद एक दूसरा। ये है मेरा रूम की एंट्रेंस कुछ ऐसी। हमने सीटिंग नीचे ही रखी हुई है, साथ में एक ये स्टेन है और ये एक बहुत बड़ी सी अलमारी है, ऊपर तक काफ़ी हमारे लिए इनफ है ये। साथ में यहाँ पे बैक डोर है और इधर एक छोटी सी बालकनी है। काफ़ी अच्छा व्यू आता है इधर से, तो हवा भी काफ़ी अच्छी पास होती है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। उसके साथ में ही किचन अटैच है। ये आ गई हमारी छोटी सी किचन। तो जो सामान बिखरा हुआ है उसको अवॉइड करें। हमारे बाहर का एरिया काफी ज्यादा प्लांटेशन हुई हुई है इधर। रूम के साइड पे आते ही ये हमारा आ जाता है एक छोटा सा वॉशरूम। और यही था मेरा प्यारा अच्छा छोटा सा पिद्दू रूम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो अभी मैं जा रही हूँ कोचिंग के लिए, मैं कोचिंग के लिए रेडी हो गई हूँ। तो चलो बस अभी टाइम 3 बजे क्लास होती है, तो बस अभी जा ही रही हूँ कोचिंग के लिए। चलो अभी कोचिंग चल रही है। मैं पहुंच के कोचिंग सेंटर के पास, एक्चुअली मेट्रोर ने थोड़े आगे उतार दिया और अब चल के जा रही हूँ। मैं अभी आ गई कोचिंग से वापस घर, तो अभी रूम की साइड जा रही हूँ। थोड़ा सा वॉकिंग का एरिया ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम आए थे बाहर सब्जी लेने के लिए, सब्जी ले रही हूँ, जा रहे थे वापस तो मोमोज खाने का दिल कर दिया, तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया स्टीम मोमोज के लिए। तो मोमोज आएंगे, पैक करवाएं और रूम जाके खाएंगे। बस मोमोज का वेट कर रहे हैं, आए और फिर जाएं। इधर से पूरे बाहर का नज़ारा आप बैठ के आराम से देख सकते हो। अभी आ गए हम वापस और मोमोज खाने लगे हैं। देखिए कचुंबर निकालते हुए इस पैकेट का पूरा। दीदी आराम से खोलें इस प्यारे को, जिंदा लाश पड़ी हुई ऐसे लग रहा है। ओह माय गॉड। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।